हरियाणा के बीच राजधानी देहरादून में हर साल के अलर्ट स्कॉर्स स्थित पुलिस लाइन में 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें राज्य के शासन व विपक्ष के कुछ खास हस्तियों के साथ ही जिले के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व कुछ गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड पुलिस के चयनित पुलिस कर्मियों को कोरोना काल में उनके योगदान को सलाम करते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि देश भर में त्रासदी की तरह फैले कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी दिल्ली से लेकर देश के हर राज्य में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजन करने की योजना को विराम लगाया गया, जिसके चलते राजधानी देहरादून में हर साल जहां परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाता था, वहीं इस बार यह सीमित दर्शकों की उपस्थिति में रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा देहरादून पुलिस के अधिकारियों को कोरोना काल में आम जनता की सेवा व सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी मसूरी नरेंद्र पंत, क्षेत्राधिकारी रायपुर व डालनवाला विवेक कुमार, क्षेत्राधिकारी पटेल नगर व क्लेमेंट टाउन थाना कोतवाली प्रभारी शिशुपाल नेगी, थाना सेलाकुई प्रभारी विपिन बहुगुणा, थाना कोतवाली धाराचौकी प्रभारी शिशुपाल राणा, होमगार्ड रविंद्र शामिल रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय सेना के कुछ जाबाजों को भी सम्मानित किया गया। नवभारत समाचार देहरादून से अनिल कुमार गुरु।